महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला के दस्तावेज की जांच हो रही है। आरोप है कि दस्तावेज फर्जी हैं और इसी के आधार पर वो पाकिस्तान गई थी। नगमा उर्फ सनम खान की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ठाणे की वर्तक नगर पुलिस जांच कर रही है। आईबी और दूसरी एजेंसियां भी पड़ताल कर रही हैं। नगमा पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज के सहारे वीजा लिया और पाकिस्तान जाकर 2022 में बशीर से शादी कर ली। उससे पहले वो नगमा से सनम बन गई। पुलिस को दिए बयान में नगमा ने माना कि पिछले 1 से 1.5 साल से इंस्टाग्राम के जरिए उसकी बशीर नाम के एक शख्स से दोस्ती हुई थी और उसके बाद में ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और वो बशीर से शादी करना चाहती थी और इसी वजह से वो पाकिस्तान गई थी। सनम खान का कहना है कि जब वो पाकिस्तान जा रही थी तो उसके दस्तावेज की पूरी जांच हुई थी। आधार कार्ड नंबर वही है, लड़की वही है, फिंगरप्रिंट वही है, तस्वीर भी वही है। जाली तो कुछ नहीं है ना, जाली आप तब कह सकते थे जैसे मैं अगर कुछ अलग तरीके से मैं करवा। पूरे मामले में पुलिस जांच तो कर रही है लेकिन मीडिया को कुछ खुलकर नहीं बता रही है। इसके बारे में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में, उसका आगे भी इन्वेस्टिगेशन चालू। सब किन धाराओं के तहत? सब बाद में बताएंगे, नो कमेंट्स।